बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बिलाल अजीर। आज हम बनाएंगे रोगनी नान, वो भी पतीले में। बहुत आसान रेसिपी है और कमाल का रोगनी नान तैयार होता है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले रोगनी नान के लिए डो तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोगनी नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप मैदा छन्नी से छान के रख लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीस्ट यानी कि खमीर, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून सफेद तिल, दही 2 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून और 1 गिलास नीम गर्म पानी डो बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले रोगनी नान के लिए डो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डो बनाने के लिए एक बर्तन में सबसे पहले 2 कप मैदा डालेंगे, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीस्ट, दही 2 टेबलस्पून। दही से हमारा जो रोगनी नान है वो बहुत नरम बनेगा। कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून। अब तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स करेंगे, हाथ को अच्छी तरह से धो लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी किया करें, यह मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। अब नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध से हमारी डो तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। डो आपने बिल्कुल सॉफ्ट तैयार करनी है ताकि जो हमारे नान हैं वो बहुत सॉफ्ट बने। अल्हम्दुलिल्लाह, डो हमारी तैयार है। अब एक बाउल में कुकिंग ऑयल लगाएंगे नीचे और हमारे डो का पेड़ा बना के हमारे बाउल में रखेंगे और हमारी डो को भी आपने कुकिंग ऑयल लगाना है। अब हमने इसको 2 घंटे के लिए राइज होने के लिए ढांप के रख देना है। मिलते हैं 2 घंटे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, डो हमारी तैयार है, निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमारी डो को एक दफ़ा दोबारा गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब नान के साइज़ के हिसाब से हम एक पेड़ा निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने हाथ की मदद से इसको बेल लेना है क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो डो है वो सॉफ्ट है, तो हाथ की मदद से इसको फैला लेंगे। डो को अच्छी तरह से हाथ की मदद से फैलाने के बाद मेरे पास एक चीनी मिट्टी की ट्रे है। अब इस ट्रे में कुकिंग ऑयल लगा के पॉलिश करेंगे। प्लेट को अच्छी तरह से पॉलिश करने के बाद आटा या मैदा डस्ट करेंगे। नान को हाथ की मदद से जो हमारे पोर हैं दबा के निशान लगाएंगे ताकि ये फूले ना। प्लेट में रखने के बाद नान को सेट करेंगे बिल्कुल प्लेट के साइज़ के हिसाब से। नान को आपने बहुत ज़्यादा मोटा पसंद है तो आपने बेस को मोटा रखना है, अगर आपको बारीक पसंद है तो बेस को आपने बारीक रखना है, ठीक है जी। इस तरह से आपने निशान लगाने। डो को प्लेट में अच्छी तरह से सेट करने के बाद कुकिंग ऑयल से पॉलिश करेंगे। हल्का हल्का आपने कुकिंग ऑयल लगा के नान को पॉलिश करना है। पॉलिश करने के बाद सफ़ेद तिल डालेंगे और सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे खुशबू के लिए। तिल और ज़ीरा लगाने के बाद इसको पतीले में रखेंगे। पतीले में मैंने नमक डाल के प्री हीट होने के लिए रख दिया है। आइए इसको पतीले में रखते हैं। पतीले में मैंने 1 इंच नमक की तह बिछा दी है। ये वही नमक है जो वेज पिज़्ज़ा और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा में मैंने इस्तेमाल किया था। जब भी ज़रूरत होती है निकाल के सेव कर लेता हूँ। अब हमारी जो प्लेट है इसमें रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ बचाकर नान को पतीले में रखने के बाद 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढांप देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रोगनी नान हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं किस तरह मक्खन की तरह टूट रहा है, बहुत गर्म है, एहतियात करनी है निकालते वक्त। खुशबू कमाल की आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। आप लोग सेम रेसिपी को फॉलो करके घर में रोगनी नान तैयार कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोगनी नान की रेसिपी बहुत ही आसान है, सेम रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आप घर में बहुत अच्छा
और खूबसूरत और खुशबूदार रोगरी नान तैयार कर सकते हैं, वो भी पतीले में। निकालते वक्त की वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि निकालते वक्त मेरा हाथ जल गया था, तो उसके लिए माजरत। हमेशा खुश रहें, खुश रखें, खुशियां बांटते रहें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ढेरों दुआओं के साथ इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।